यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। यहोवा का यह वचन यर्मयाह के पास पहुंचा कि इस वाचा के वचन को सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से बातें करो और तू उनसे कह, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कहके बांधी थी कि मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो, तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और इस प्रकार जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है उसे मैं तुमको दूंगा, उस सौगंध को पूरी करूंगा। और अब देखो वह पूरी हो गई है। यह सुनकर मैंने कहा कि हे यहोवा, सत्य है वचन तेरे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कह कि इस वाचा के वचन सुनो और इसके अनुसार काम करो कि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूं कि मेरी बातें सुनो, परंतु उन्होंने मेरी न सुनी और ने मेरी बातों पर कान लगाया, वरन अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। और मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने भी न मानी पूर्ण किया है। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के वासियों में विद्रोह का षड्यंत्र पाया गया है, जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं और उनकी उपासना करते हैं। इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यो कहता है कि देख, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिससे ये बच न सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दे तो भी मैं इनकी न सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी जाकर उन देवताओं की जिनके लिए वे धूप जलाते हैं दोहाई देंगे, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी न बचा सकेंगे। हे यहूदा, जिसने तेरे नगर है उतने ही तेरे देवता भी हैं, और यरूशलेम के निवासियों ने एक एक सड़क में एक एक लज्जापूर्ण बाल की वेदियां बना बनाकर उनके लिए धूप जलाया है। इसलिए तू मेरी प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, न तो कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये विपत्ति ये आपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं इनकी न सुनूंगा। मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उसने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है, क्योंकि जब तू बुराई करती है तब प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरी मनोहर सुंदर फल वाली जलपाई तो कहा, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गई। और सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा, इसका कारण इस्राएल और यहूदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने तुझे रीस दिलाने के लिए बाल देवता के निमित्त धूप जलाया। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की है। मैं तो बद होने वाली भेड़ के पालतू बच्चे के समान अनजान था। मैं जानता न था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां यह कहकर करते हैं कि आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दे और जीवतों के बीच में से काट डाले, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहेगा, परंतु
अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्याय, हे अंतकरण की बातों के ज्ञाता, तू उनका पलटा ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो मेरे प्राण के खोजी हैं और यह कहते हैं कि यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी न कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा, सो उनके विषय सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं उनको दंड दूंगा, उनके जवान को तलवार से और उनके लड़के लड़कियों का भूख मरी से नाश होगा और उनमें से कोई भी न बचेगा। मैं अनातोत के लोगों पर यह विपत्ति डालूंगा, उनके दंड का दिन आने वाला है।